कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सहरसा के परीक्षा भवन में 240 बेड के बने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि इस कोविड अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों का इलाज बेहतर रूप से किया जाएगा। जिलाधिकारी कौशल कुमार ने बताया कि सहरसा जिले में 60 बेड, पैरामेडिक कॉलेज 70 बेड, सिमरी बख्तियारपुर में था। अब कुल मिलाकर जिले में 370 बेड हुए हैं, जिसमें संक्रमित मरीजों को भर्ती कराया जाएगा और उसका इलाज किया जाएगा। परीक्षा भवन के बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर मिलाकर 240 बेड का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसमें टोटल 240 बेड लगे हुए हैं, जिसमें कि 40 बेड ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर के साथ उपलब्ध हैं। और जो भी पॉजिटिव मरीज पाए जाएंगे कुछ पेशेंट कोरोना के, उनको अगर आवश्यक मेडिकेशन की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर उनको भर्ती कराया जाएगा। इसके शुरू हो जाने से हम लोग का टोटल बेड की संख्या जो डेडिकेटेड कोविड केयर का 370 हो गया है। हम लोग का 60 बेड पैरामेडिक्स कॉलेज में था, 240 बेड यहाँ 300 हो गया, 70 बेड सिमरी बख्तियारपुर में था। तो टोटल 370 बेड हम लोग का डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर के रूप में आज हम लोग इस्टेब्लिश किए गए, ताकि कोविड पॉजिटिव जो मरीज आएंगे उनको आवश्यक सुविधा दी जाए। सर, एक अदर सवाल है।